नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीखा कौशिक। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामले दर्ज, ज्यादातर केस महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से। आपको बता दें, डेल्टा प्लस वेरिएंट वर्तमान में चिंताजनक वेरिएंट है, जिससे तेजी से प्रचार फेफड़ों की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से चिपकने और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया में संभावित कमी जैसी विशेषताएं हैं। अमेरिका के बाद 3 करोड़ कोरोना केस वाला दूसरा देश बना भारत। पिछले 50 दिन में आए 1 करोड़ केस, इससे पहले अमेरिका में 54 दिन के भीतर 1 करोड़ कोरोना से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन की अदालत से भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा है। यूके हाई कोर्ट ने बुधवार को नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने के आवेदन को खारिज कर दिया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को मुंबई की एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, ड्रग्स मामले में प्रोटेक्शन वारंट पर इकबाल कास्कर की कस्टडी ली है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन, शिवसेना और डोगरा फ्रंट ने महबूबा के खिलाफ दिखाया आक्रोश। कश्मीर को लेकर महबूबा ने पाकिस्तान से चर्चा करने की कही थी बात। सीएम गहलोत ने बीकानेर को दी सौगात। पीबीएम अस्पताल में मेडिसिन विंग और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में साइकिलिंग वेलोड्रम का किया शिलान्यास। चिकित्सा से जुड़े विभिन्न कार्यों का भी किया लोकार्पण। दिल्ली क्राइम ब्रांच के नोटिस पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर गजेंद्र सिंह निर्दोष तो वॉइस सैंपल देने से क्यों बच रहे। जैसलमेर में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर, उष्ट विकास योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा। अफसरों ने 75 लाख कमीशन लेकर फर्जी ऊंट पालकों को 3 करोड़ का किया भुगतान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कसे कांग्रेस पर तंज। कहा, कांग्रेस में हलचल, अंजाम अच्छा नहीं। जुगाड़ के साथ सत्ता में आई थी कांग्रेस, कब बिखर जाए ये जुगाड़ कोई नहीं पता। पाकिस्तान के लाहौर के जौहर टाउन इलाके में एक घर में धमाका हुआ। इस धमाके में 2 की मौत हो गई। यही वो इलाका जहां कुख्यात आतंकी हाफिज का घर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, शिवपाल यादव की पार्टी के साथ गठबंधन को तैयार। शिवपाल यादव की सीट पर सपा नहीं उतारेगी अपना प्रत्याशी। केंद्र सरकार पीएफ और पेंशन अकाउंट्स को अलग अलग करने के लिए बना रही है प्लान। आपको बता दें, इसका असर ईपीएफओ के लगभग 6 करोड़ अंशधारकों पर पड़ेगा और खाते अलग होने से पेंशन फंड से पैसा नहीं निकाला जा सकेगा। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का रोजगार पर फोकस। एमएसएमई सेक्टर को बांटा 25,000 करोड़ का लोन। सरकार का दावा, बड़े पैमाने पर मिलेगा रोजगार। दिल्ली हाईकोर्ट से व्हाट्सएप को बड़ा झटका। 4 जून के नोटिस पर हाईकोर्ट का रोक से इनकार। कंपटीशन कमीशन के नोटिस पर रोक नहीं, नई गोपनीयता नीति के बारे में देनी होगी जानकारी। गृहनगर कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जनता दरबार में बिरला ने सुनी लोगों की फरियाद। 1 हफ्ते तक संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे ओम बिरला। हाउसिंग बोर्ड के सामाजिक सरोकार, कोरोना से बचाव के लिए निशुल्क मास्क वितरण अभियान। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मास्क वितरण वैन को दिखाई हरी झंडी। कमिश्नर पवन अरोड़ा भी रहे मौजूद। जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में गंभीर मरीजों की जेब को बड़ा झटका। आईसीयू बेड के चार्जेस में 2.5 गुना बढ़ोतरी। अब देने होंगे रोजाना 500 रुपए। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा ने गुपचुप निकाले आदेश। संजय गांधी की पुण्यतिथि आज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नमन किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ को बड़ी कार्रवाई हुई है। हीरानगर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी तस्कर को ढेर कर दिया है। 135 करोड़ रुपए की 27 किलो हेरोइन बरामद की है। अजमेर जिला परिषद के सभागार में जिला प्रमुख सुशील कंवर की अध्यक्षता में जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई के दौरान अधिकारी ने जब जन समस्याओं को तुरंत निवारण करने के लिए निर्देश दिए। राजसमंद में अनूप मंडल संगठन की राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी क्रियाकलापों से सकल जैन समाज में रोष व्याप्त है। अनूप मंडल पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिले के सकल जैन समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा। कोटा शहर के बीच किशोरपुरा नहर में एक युवक का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। शव करीब 2 दिन पुराना बताया जा रहा है।
दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया और सीएमएचओ डॉक्टर मनीष चौधरी ने बड़ी पहल करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में उन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। कोरोना वॉरियर्स ने दूसरी लहर में जान की परवाह किए बिना मुस्तैदी के साथ अपना फर्ज निभाया था। बूंदी के इंद्रगढ़ कस्बे के मेगा हाईवे जैन गौतम भोजनालय के सामने एक बुजुर्ग महिला का अज्ञात युवक थैला छीन कर ले गए। महिला के शोर मचाने पर भीड़ ने आरोपी को पकड़ा। नागौर के लिव इन रिलेशनशिप और इंद्रचंद अपहरण हत्या मामले में पुलिस ने सुरेश जाट को गिरफ्तार कर लिया। बाकी तीन आरोपियों को पुलिस ने 27 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। झुंझुनू के चिड़ावा में ब्रह्मा चैतन्य समाज ने चिड़ावा एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिससे पंडितों ने आजीविका में परेशानी का हवाला देकर सहायता की मांग की। सीकर में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के नाम पर कुछ नहीं कर पाई। 16 माह से मुख्यमंत्री क्वारंटीन है, सरकार होटलों से चल रही है। नागौर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान एजेंडे के कई बिंदुओं पर हंगामे की स्थिति भी बनी रही। नगरपालिका बयाना की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अस्पताल के लिए भूमि चयन के लिए किए जाने वाले विशेष एजेंडे को लेकर बीसीएमओ डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी उपस्थित रहे। महुआ के साथ सांधा गांव में पुलिस और प्रशासन ने मंदिर माफी भूमि से करीब 25 वर्ष पहले का कब्जा हटवाया है। जमीन को पुजारी के परिजनों को सुपुर्द करवाया। कब्जा हटाकर भूमि पर बुआई भी करवा दी गई। नागौर के नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक के बाद एक बार फिर से पानी की समस्याओं को लेकर महिलाओं ने हल्ला बोल दिया है। गुस्साई महिलाओं ने नगर परिषद के सभापति नीतू बोधरा का घेराव करते हुए पानी की नियमित सप्लाई की मांग की है। बारा के केलवाड़ा में महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा और कानून के प्रति जागरूक तथा उनकी समस्याओं के समाधान के संबंध में शाहबाद पुलिस ने बैठक ली, जिसमें महिलाएं और बालिकाएं सुरक्षा की जानकारी दी गई। सीकर के रामगढ़ शेखावटी कस्बे में उपखंड अधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों को जोड़ने की मांग की गई, जिससे लोगों को राशन मिल सके। अजमेर के ब्यावर में सरकारी अस्पताल राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में रोगी सेवा के नाम पर मात्र दिखावा किया जा रहा है। चिकित्सक नहीं मिलने के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान एसडीआरएफ के कमांडेंट आईपीएस पंकज चौधरी उदयपुर प्रवास पर हैं। पंकज चौधरी ने एसडीआरएफ की कंपनी की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही बाढ़ और आपदा के हालातों में राहत बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया। कोटा शहर में स्ट्रीट डॉग का आतंक जारी है। शहर के स्टेशन इलाके में पिछले 3 दिन से 10 से ज्यादा बच्चों पर स्ट्रीट डॉग ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। स्ट्रीट डॉग के काटने से एक बच्चे का पैर तो बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिससे बच्चे के पैर का अंगूठा काटना पड़ा। डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय पर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने नावाडेरा चौराहे पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। कोरोना काल के दौरान हो रही बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए अजमेर डिस्कॉम कार्रवाई कर रहा है। नागौर में वृत्त की विजिलेंस टीम ने अब तक बिजली चोरी के मामले में 8 ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं। डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जल जीवन मिशन के तहत जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक ली, जिसमें जिला कलेक्टर ने कमेटी के सदस्यों से प्रत्येक गांव में समिति का गठन के बारे में जानकारी दी और परेशानी को दूर करने के निर्देश दिए। ब्यावर शहर में कोरोना संक्रमण के दौरान मौत का शिकार हुए व्यक्तियों की जानकारी अब नगर परिषद जुटाएगा। इसके लिए सफाई जमादार को नियुक्त किया गया है। नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। शहर के हाउसिंग बॉर्डर सेक्टर 6 में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए हजारों की नकदी और जेवर चुरा लिए। जालौर के आहौर में देह व्यापार के खिलाफ पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित ने एसपी श्याम सिंह को ज्ञापन सौंपा और गलत काम पर अंकुश लगाने की मांग की। डूंगरपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के नवाडेरा रोड पर तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में शख्स की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
उदयपुर में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने राजस्व अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के राजस्व प्रकरण की समीक्षा की गई। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने गुड़ा बालूतान और धावला नदी के बीच बनने वाली पक्की रपट का अवलोकन किया। विधायक ने निर्माण में काम में ली जा रही सामग्री की जांच की और अधिकारियों को सही काम कराने की हिदायत की। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने श्यामा प्रसाद की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी के आदर्शों पर चलने का भी आह्वान किया। फुलेरा के काचरोदा ग्राम पंचायत वासियों ने पंचायत कार्यालय के सामने पेयजल समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरपंच पुष्पा कुमावत को ज्ञापन सौंपा। गांव में काफी लंबे समय से जलापूर्ति बाधित है। अजमेर के ब्यावर में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई। फतेहपुर के शेखावटी में भीषण गर्मी का पारा 41 डिग्री के पार चला गया है। वहीं बिंदल कुलदेवी मंदिर के सामने काली मंदिर के संत रामदास चिमा करीब एक महीने से आग के बीच बैठकर बारिश के लिए तपस्या कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के जंक्शन में बाईपास पर औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी एसटीजी नहर में डाला जा रहा है, जिससे गुस्साए वार्ड नंबर 2 के लोगों ने रीको कार्यालय में प्रदर्शन किया। राजल देसर के जोरावरपुरा फांटा से लाचडसर जाने वाली सड़क पर नील गाय को बचाने के चक्कर में एक बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। भीलवाड़ा में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति दिवस के उपलक्ष में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया और उनको नमन किया। जोधपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय डिजिटल ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों की सहायता कर रही है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अजय वर्धन के निर्देश पर विद्यार्थियों को ई ज्ञान कोश इग्नू ई कंटेंट ऐप के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह मीणा सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान किसान यूनियन के प्रदेश सचिव आसिफ खान के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह मीणा का भव्य स्वागत किया। बूंदी जिले में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की पहली बारिश के साथ ही मौसम खुशनुमा हो गया है। बारिश और हवा ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। जोधपुर के बालेसर में स्कूल में 13 साल के नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार ने स्कूल में बयान दर्ज किए हैं और विद्यालय का निरीक्षण किया। सीकर शहर के चांदपुर गेट पर बस का इंतजार कर रही एक महिला का झपट्टा मार के मंगलसूत्र तोड़ ले गए। महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। ब्यावर में अचानक मौसम में बदलाव आया है। शहर में बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कोटा के विज्ञान नगर थाना पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सर्विस सेंटर पर काम कर रहे 3 बालकों को मुक्त करवाया। चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति, बाल अधिकारिता विभाग, श्रम विभाग और उद्योग नगर पुलिस ने ये कार्रवाई की। सिरोही के माउंट आबू में भालुओं का जोड़ा खुले में विचरण करते दिखाई दिया। शहर के निकट अधर देवी मंदिर के सामने ये दोनों भालू दिखाई दिए। भालुओं के विचरण का दृश्य फर्स्ट इंडिया के कैमरे में कैद हो गया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में असली आभूषण बताकर नकली आभूषण वाला गिरोह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घुघरू गैंग के मुख्य सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 लग्जरी कार समेत आभूषण बरामद किए हैं। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र भगत सिंह चौराहे के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो कार डिवाइडर और पोल से टकराकर पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में सवार 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। परबसर के पीलवा थाना क्षेत्र के जावला मेहराना गांव में एक युवक का शव लहूलहान अवस्था में मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके के सुखालपुर गांव की झाड़ियों में एक नवजात कन्या का शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना इलाके में पुलिस ने अवैध देशी शराब के साथ 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 56 पौवा देशी शराब के पौवे बरामद हुए।
भीलवाड़ा के शाहपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने मुखर्जी सर्किल उम्मेद सागर चौराहे पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई। उदयपुर आबकारी विभाग और पुलिस ने हथकड़ शराब और भंडारण पर कार्रवाई करते हुए 95 प्लास्टिक के ड्रम में भरी शराब पकड़ी। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के गांव दरियापुर के निवासी एक युवक युवती ने प्रेम विवाह कर लिया। इसके बाद युवती ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जान बचाने और सुरक्षा की गुहार लगाई। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण का प्रभाव तेजी से कम होता जा रहा है। 24 घंटे में केवल एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। अलवर में किशनगढ़ बास के गांव इस्माइलपुर में हार्डवेयर व्यापारी सर्वर की पाल पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोद कर घायल कर दिया। जयपुर में पुलिस ने राजमंदिर में बम मिलने की सूचना पर मॉक ड्रिल किया। सूचना के बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। झालावाड़ में डक के उन्हेल पुलिस ने कंजर डेरों में छापेमारी कर चोरी की 17 बाइक और एक ट्रैक्टर जब्त कर लिया। जयपुर विकास प्राधिकरण के परिवर्तन दस्ते ने जवाहर सर्किल के महालक्ष्मी गार्डन रेस्टोरेंट में व्यावसायिक निर्माण को सील किया। हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद रेस्टोरेंट में बांस, टीन शेड और शीशे के कमरों का अवैध निर्माण किया गया था। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने नहर के किनारे करीब 4 बीघा निजी भूमि पर बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया। के सिमलवाड़ा न्यायालय परिसर में कोरोना जन जागरूकता टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसके तहत लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने सोमलपुर गांव में पिछले दिनों सूने मकान में हुई नकदी और आभूषण चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी का माल बरामद कर लिया। अनूपगढ़ के 3ND गांव के पास ए माइनर में कटाव आने से लगभग 50 बीघा भूमि जलमग्न हो गई। जयपुर के कुकस के लोहागढ़ रिसोर्ट में पिछले 15 महीने में राम रसोई संचालित की जा रही है, जिसके चलते सभी जरूरतमंदों को भरपेट खाना खिलाया जाता है। बारा जिले अस्पताल के गायनिक वार्ड के बाहर गर्भवती महिला के परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने परिजनों से बिना पूछे महिला को कोटा में रेफर कर दिया। नागौर के मेड़ता सिटी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अपने जन्मदिन पर पौधारोपण करने की मुहिम शुरू की गई, जिसकी शुरुआत सिख वालों की ढाणी में की गई। कोटा के कावा थाना पुलिस ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किशोरी के साथ किया था। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में 13,243 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोटा के तावा के करवाड़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान किया गया। कोटा के तावा थाना पुलिस ने अवैध रूप से सट्टे की खाईवाली करने पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर ने 7 भेड़ों को कुचल दिया, वहीं 3 भेड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसलमेर के रामदेवरा में संस्कृत स्कूल पास जलदाय विभाग की बनी पानी की GLR लंबे समय से क्षतिग्रस्त अवस्था में है। जयपुर के चोमू के कालाडेरा के रिको इलाके स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने पानी टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर के घरसाना गांव के श्री कृष्ण नगर में चोरी करने आए 3 चोरों में से 1 चोर को कॉलोनी वासियों ने पकड़ लिया। डूंगरपुर के 84 के सरथूना चौकी ने नाकाबंदी के दौरान इमारती लकड़ी से भरे एक ट्रक को पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को सूचित कर दिया। जालौर के सांचौर उपखंड मुख्यालय कोरोना कारोला के पास में भारतमाला परियोजना को लेकर किसानों ने विरोध जताया। जोधपुर के भोपालगढ़ में पानी की सुचारू आपूर्ति नहीं होने पर गंदा पानी आने की समस्या को लेकर राजेंद्र मेहता भोपालगढ़ पहुंचे। जयपुर के सांगानेर में अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से राशन किट वितरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जरूरतमंदों और विधवाओं को 310 राशन किट वितरित किए गए। जोधपुर के भोपालगढ़ के महात्मा गांधी सेवा सदन में SDM ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और युवा कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जोधपुर के भोपालगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में 2 दिन से कोरोना वैक्सीन नहीं होने से युवाओं में निराशा उत्पन्न होने लगी है। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे के झाड़ोली कट पर एक कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रेलर में घुस गई। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा मांडली सड़क निर्माण का कार्य रुकने से ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया। जालौर के चितलवाना के अरवा के पास में नशा मुक्ति और बालिका शिक्षा के लक्ष्य को लेकर मानव सेवा विश्व गुरु दत्तात्रेय आश्रम का निर्माण करवाया जा रहा है।
पाली के देसुरी के सादुड़ी के इन वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 प्लस उम्र के युवाओं को वैक्सीन लगाई गई। प्रतापगढ़ में इस बार मानसून पूरी तरह से मेहरबान है, जिले में अभी तक औसत की 9% बरसात हो चुकी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।